हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एकदम भले चंगे होंगे। और आज मैं फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एकदम भले और चंगे होंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, आप सबको बहुत मजा आएगा। और यहाँ पे मैं एन मॉन ब्यूटी की तरह मेकअप करने वाली हूँ, जैसे वो सिंपल सा हाउसवाइफ मेकअप करती हैं, और उन्हीं की तरह मैं ब्लॉग का स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे मैं कर रही हूँ, और आप सब प्लीज़ वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने लिया था कुकुम्बर टोनर, जो मैंने अपने फेस पर अप्लाई किया हुआ है। वैसे वो कोई भी टोनर नहीं लगाती हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक हाउसवाइफ की तरह अपना मेकअप कर रही हूँ। और वैसे भी जो मेकअप के सारे प्रोडक्ट होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबके पास हो, किसी के पास होते हैं किसी के पास नहीं होते हैं। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि मैं भी कभी इसी तरीके से पहले मेकअप किया करती थी। शादी के बाद मैंने ये सब सारे प्रोडक्ट लगाना शुरू किए हैं। वैसे भी मैं फेस पे कुछ भी नहीं लगाती थी। और एन मॉम एंड ब्यूटी के बारे में मैं क्या ही बताऊं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी ब्लॉगर हैं, बहुत ही एक बड़ी यूट्यूबर हैं, जिनका जो ब्लॉग है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं ये इसलिए मेकअप कर रही हूँ, मैं इसलिए आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं आप सबकी को ये भी बताना चाहती थी कि कैसे एक हाउस वाइफ जल्दी जल्दी से तैयार होती है, फिर उसके बाद अपने कामों में लग जाती है, जो कि एन मॉम एंड ब्यूटी करती हैं। मैं उनके वीडियोज़ में देखती हूँ कि वो हर एक चीज़ टाइम पे करती हैं। और वैसे भी ऐसा नहीं है कि उनको बहुत सारे प्रोडक्ट चाहिए, उनको ये होता है कि जल्दी से उनको रेडी होना है, उसके बाद उनको सारे काम देखने, उनके अपने बच्चे को देखना है और अपने पति को देखना है, अपने घर को देखना है, ये सब उनको टेंशन लगी रहती है। और ये हर एक हाउस वाइफ के अंदर होता है। और यही आदतें मुझे उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और मुझे भी आपने देखा होगा कि जब भी मैं मेकअप क्रिएट करती हूँ, तो भले वो खाली टाइम ही करती हूँ, लेकिन अगर घर के काम है उसको करने हैं, तो उसके लिए मैं फिर फटाफट जल्दी से रेडी होती हूँ। मुझे कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं लगाना कि बहुत जल्दी जल्दी मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट अपने फेस पे लगाने हैं, उसके बाद तैयार होना है, आईलाइनर मस्कारा वगैरह ये सब मैं पूरा नहीं लगाती हूँ। मैं सिंपल सा अपना लुक करती हूँ, जैसे एक हाउसवाइफ करती है, उसके बाद फिर मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सबने देखा मैंने क्या क्या अपने फेस पे किया है अप्लाई, और सिंपल सा बस लगाया है, ज़्यादा कुछ नहीं लगाया है। फाउंडेशन, उसके बाद मैंने प्राइमर, और उसके बाद मैंने फेस पाउडर लगाया है, और ये मैं अपने आईज़ पे लगा रही हूँ आई शेडो। आई शेडो मैं अपने साड़ी के कलर में ही लगा रही हूँ, ब्लैक कलर की साड़ी है। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपने लिड पे लगाया हुआ है ब्लैक कलर का आई शेडो, और दोनों आईज़ के ऊपर लगा लूँगी जल्दी से। और मैं चाहती तो इसको अपने आईज पे ब्रश से भी लगा सकती थी, लेकिन मैं एक हाउसवाइफ की तरह रेडी हो रही हूँ, तो इसलिए मैं उंगलियों की हेल्प से ही मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ कि जैसे मैं मॉर्निंग में तैयार होती हूँ, तो फटाफट से कोई भी चीज मुझे नहीं चाहिए होता है, जो भी आगे है अपना हाथ उठाया और फटाफट अपने फेस पे थोप लिया, बस यही मैं बताना चाहती हूँ। उसके बाद मैं अपने आईज पे लगा रही हूँ काजल। काजल देखिए मेरा फैल गया कुछ इस तरीके से, कैसे मैं भूतनी जैसे लगने लगी हूँ। अब मुझे इसको पोछना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा खराब लग रहा है ये काजल। तो बस इसको मैं कर रही हूँ क्लीन, जहाँ भी फैला हुआ है मेरा फेस देख सकते हैं किस तरीके से बन गया है। तो मैं डर रही थी कि कहीं चली हूँ मैं अच्छा मेकअप करने और खराब ना हो जाए, तो बस इसीलिए मैं इसको सेट कर रही हूँ, तो हो गया, अच्छा हो गया। चलिए अब मैं बिल्कुल भी अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। तो चलिए अब दूसरा चीज अपने फेस पे लगाते हैं। फेस पे तो हर चीज लगा लिया, बचा क्या लिपस्टिक। तो यहाँ पे मैंने लिपस्टिक ले लिया है, कौन सी लिपस्टिक है अभी मैंने देखी नहीं है, बस उसको लगा लिया अपने होठों पे इस तरीके से। तो बस मैं हो गई रेडी एन मॉम ब्यूटी की तरह। ये देखिए मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर की साड़ी पहनी, उन्होंने भी ब्लैक कलर की साड़ी पहनी। यहाँ पे मैंने ले लिया है पल्लू। आप सब आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एकदम भले चंगे होंगे। और इन है वेडनेसडे, और आज का जो डेट है वो है 24 मार्च। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि होली नज़दीक है, होली आने वाली है, तो आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है आप सब बताइएगा ज़रूर। और मेरी तैयारी तो आपको मेरे ब्लॉग में देखने को मिल जाएगी, बताइएगा ज़रूर कमेंट में। वैसे मेरे प्यारे प्यारे जो सब्सक्राइबर हैं, वो बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट मेरे लिए करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस मैं अभी शाम को आपके साथ मिल रही हूँ रात के 8 बजे। मेरे सारे काम हो चुके हैं, मुझे डिनर भी नहीं बनाना था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप के साथ थोड़ी सी मस्ती कर लूं, थोड़ी सी बातें कर लूं। सो फ्रेंड्स, तो मैं हूं आकांक्षा, आप सब जानते हैं, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा अयान मॉम एंड ब्यूटी की एक्टिंग कर रही थी। तो कैसा लगा आप सबको बताइएगा जरूर। तो थोड़ा सा मैंने मेकअप भी उनके जैसे करने की कोशिश की है, जैसे वो सिंपल सी हाउसवाइफ की तरह मेकअप कर
करती हैं। वैसे मैंने मेकअप किया है, जिसमें कई सेलिब्रिटी के इंस्पायर्ड लुक क्रिएट करके इसमें अपलोड करते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर करूं, एक हाउसवाइफ का मेकअप लुक, किस तरीके से वो अपना मेकअप करती हैं और कैसा लगा आप सब बताइएगा ज़रूर। वैसे आप सब ने मेरे पिछले वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा डिसलाइक मत करिएगा। मैंने थोड़ा सा उनकी एक्टिंग की है और आप सब लोगों को पसंद भी आया होगा। मुझे उनके वीडियोज़ बहुत अच्छे लगते हैं, तो थोड़ा बहुत मैं उनके फॉलो करती हूँ, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक्टिंग आप सबके साथ शेयर कर लूँ, तो मैंने किया। कैसे लगी आप सबको? देखा मैंने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी है, थोड़ा सा मैंने आप सबके साथ अपना मेकअप लुक शेयर कर दिया है, एक हाउसवाइफ जैसे मेकअप लुक करती हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। बोलो हाय फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? कैसे आप सब? बोलो चाय वाय पिए कि नहीं आप सब? हम लाइव पॉप लेने चाहिए। हाँ, ये तो लाइव पॉप खाने जा रही हैं। पहले इनसे पूछो आप सब फ्रेंड्स, आप सब ने चाय पी? हमने चाय पी। अभी तो मेरी मम्मा ने बनाई नहीं चाय। अभी मम्मा मेरी चाय नहीं बनाई। ऐसे खड़ी देखो बापू, कैसे बापू है ये, बहुत ज़्यादा बातें करने लगी हैं। वो तो आप सबसे बातें करा दूँ। देखिए मेरा मेकअप का जो बॉक्स है वो बचने वाला नहीं है, क्योंकि कब से वो उसी पे नज़र लगाई हुई है कि मुझे मेकअप करना है, मुझे मेकअप करना है। श्रीयू कैसे मेकअप करती हो? कैसे करती हो बेटा? बहुत अच्छे करते हैं। अब ये पूरा मेरा बॉक्स खाली कर देंगी और फिर उसको उसके बाद मुझे सब रखना भी पड़ेगा। नहीं बेटा, नहीं लगाया जाता। उनको बता दो फ्रेंड्स के कैसे लगाया जाता है। तुम फ्रेंड्स की, हाँ फ्रेंड्स को बता दो कैसे लगाया जाता है पिट्टी। पिट्टी का लगाया जाता है। अरे इसको ना खोलो। वो नहीं वही नहीं बेटा, ये लिक्विड लिपस्टिक है मेरा तो। देखिए इनको पता है किस तरीके से लिपस्टिक लगाई जाती है, है ना श्रीयू? खोदो मम्मा। हाँ बेटा खोदो। सो फ्रेंड्स, तो बस छोटा सा वीडियो आप सबके साथ शेयर करने वाली थी। आई होप आप सबको पसंद आया होगा और ज़्यादा कुछ मैंने आप सबके साथ शेयर नहीं किया है, छोटा सा वीडियो, क्योंकि आज कोई भी वीडियो नहीं गया था, तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो आप सबके साथ शेयर करूँ। और तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। बाय बाय।